ज्ञान विज्ञान शिक्षा के उन्नति के साथ ही ठगी करने वाले लोग भी अपने नए नए ठगी का उपाय निकाला है। जिस तरह से ज्ञान विज्ञान बढ़ा है उस तरह से अंधविश्वास भी कम हुआ है और ठगी करने वाले लोग भी अब काफी सावधान हो चुके हैं। इससे में ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान करने वाले या ठगी का धंधा चलाने वाले ज्योतिषी भी आप सावधानी के साथ लोगों को ठगने लगे हैं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं उसके दुकान पे उसके चेंबर में कोई तर्कवादी युक्तिवादी ना पहुंच जाए और उसकी पोल ना खोल दे। इसलिए जब आप किसी समस्या को लेकर किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वह ज्योतिषी आपके बारे में विस्तारित जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देगा। आपको पूछेगा कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं, मेरा पता आपको कहाँ से मिला, फलाना आदि आदि सवाल। अगर आप सही में सटीक जानकारी नहीं देंगे तो वह ज्योतिषी हमेशा आपको संदेह की नजर में देखेगा और आप जो समस्या लेकर उसके पास पहुँचे हैं वह समस्या का समाधान करने में असमर्थ तो होगा ही, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करना असंभव है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ एक शास्त्र है और इस शास्त्र का इस्तेमाल किसी भी इंसान के जीवन की समस्या का समाधान में इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता है, मददगार नहीं हो सकता है। आप चाहे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ के देख सकते हैं, उसमें तरह तरह के उपाय बताए गए हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र किसी इंसान ने लिखा है अपनी मनमानी अपनी मनगत कहानियों को शामिल करके, और ये आप बीती या मनगत कहानियाँ किसी भी जीवन की समस्या का समाधान करने में कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। यानी अगर आप बिना ज्योतिषी के पास गए सिर्फ ज्योतिष शास्त्र को पढ़कर अपने जीवन की समस्या का समाधान करने का उपाय निकालते हैं तो भी आपके जीवन का समस्या का समाधान नहीं होगा। बात हो रही है समय के साथ साथ ज्ञान विज्ञान शिक्षा का उन्नति हुआ विकसित हुआ है। आज लोग काफी शिक्षित हुए हैं, तर्कवादी हुए हैं, विज्ञानवादी हुए हैं। ऐसे में आज लोग ज्योतिष के चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन ठगी का धंधा करने वाले ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान चलाने वाले ज्योतिषी तरह तरह के उपाय निकालते हैं लोगों को ठगने के लिए। इसी में एक नया उपाय है कि ज्योतिषी के नाम पे लोगों को ठगने के लिए अब कंप्यूटर लैपटॉप आदि लेकर ज्योतिषी बैठ जाते हैं और लोगों को दर्शाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और इसमें गणित है, साइंस है। इसीलिए आज कंप्यूटर के इस्तेमाल से भी लैपटॉप के द्वारा भी जनकुंडली बनाया जा सकता है, आपके जीवन की समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है और इस विज्ञान को हम आज कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोग्रामिंग के द्वारा इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले ज्योतिषी आपको हथेली देखकर आपके जीवन का भविष्यवाणी किया करता था, आपका मस्तक देखकर या जन्म कुंडली देखकर आपके जीवन के बारे में बताया करता था, लेकिन आज कंप्यूटर में ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो प्रोग्रामिंग किया रहता है उस प्रोग्रामिंग में आप अपना जन्म तारीख दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, तो आपको बारे में पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर द्वारा बताए गए बातों में विश्वास कर लेंगे कि कंप्यूटर ने यह बताया है कि आपके जीवन में फलाना फलाना घटना घट सकता है, तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग की गई है वह प्रोग्रामिंग हम इंसानों ने अपनी मन मुताबिक किया है, उस प्रोग्रामिंग द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप किसी का भी जन्म तारीख उसमें दे दीजिए या जन्म तिथि स्थान दे दीजिए, देखिए कंप्यूटर बहुत सारा भविष्यवाणी कर देगा,
लेकिन यह भविष्यवाणी आपके जीवन के कोई काम में नहीं आने वाला है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो कंप्यूटर लैपटॉप में प्रोग्रामिंग किया हुआ है उसमें आप अपने जीवन की कोई भी समस्या का बताइए तो कंप्यूटर लैपटॉप आपके जीवन की समस्या का हजारों उपाय बता देगा, और वह उपाय यदि आप अपनाते हैं तो आपके जीवन का भी कोई समस्या समाधान नहीं होगा। यानी ज्योतिषी हो या ज्योतिषी किसी कंप्यूटर लैपटॉप द्वारा आपके जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल भी करता है तो उससे भी आपके जीवन का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तर्कवादी युक्तिवादी के चुनौती है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप एक ठग शास्त्र है और इस ठग शास्त्र के द्वारा किसी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। और ज्योतिष नामक ठग विद्या का अब अगर कंप्यूटर लैपटॉप में भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है और उसके द्वारा यदि कोई ज्योतिषी आपके जीवन की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है तो वह भी एक पाखंडी होगा, मूर्खता होगा। कुल मिलाकर लोगों को ठगने के लिए आज ज्योतिषी लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठते हैं और लोगों को बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, साइंस है, और कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा भी लोगों का किस्मत बदला जा सकता है। लेकिन वास्तव में ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए ही लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के नाम पे प्रोग्रामिंग बनाकर लोगों को ठगते हैं।